न्यूज लाइव राजस्थान पर आप देख रहे हैं जयपुर के रेनवाल से इस वक्त की बड़ी खबर। रेनवाल थाना इलाके क्षेत्र में नहीं थम रही है दिन दहाड़े चोरी की वारदातें। रेनवाल थाना इलाके के रेनवाल दाता रामगढ़ रोड मातेश्वरी पेट्रोल पंप के सामने दिन दहाड़े मकानों से नकदी पार कर ले गए पीड़ित सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मैं मेरा परिवार दिन में रेनवाल में खरीदारी करने के लिए गए हुए थे तथा पीछे से मेरे घर पर चोरों ने नकदी व सामान पार कर ले गए। शाम को घर लौटा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला तथा अलमारियां खुली मिली। देखा तो घर से नकदी व सामान नहीं मिला। क्षेत्र में दिन प्रतिदिन दिन दहाड़े हो रही चोरियों की वारदात को लेकर व्यापारियों ने मिलकर रेनवाल थाने पहुँचे तथा बढ़ती चोरियों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त किया। इन चोरियों की रोकथाम के लिए थाना प्रभारी से मांग की और दिन के उजाले में भी चोरों पर निगरानी रखने की बात कही। गौरतलब है कि एक माह के अंतर्गत रेनवाल थाना इलाके में एक दर्जन से अधिक चोरियां हो चुकी है जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने रेनवाल थाने पहुंचकर विरोध जताया। अब चोरियों की गिरफ्तार लेगा 24 तो सिक्का लेगा चांदी का और चार सिल्ली जी 100 ग्राम की बेलेगा और तांगा नाम जी गए एक जो गोलक बोलेगा उठार मैं गेट आजम हमारी दुकान पर जो और मैसेज आएगी माँ से मिलवाने और इमोला का मान तीसरी बार होगी गया सो गया मंगलवार ने भी जी मारा पड़ोस में और तीसरी चोरी मारा घर होगी काल कार्रवाई चाहो थाना तू मैं तीसरी चोरी और रेनवाल में 20-25 चोरियां हो चुकी है और हम चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे। इतने दिनों में एक भी चोर को नहीं पकड़ा है, इन्हें कार्रवाई हो रही है। कम से कम एक दो को पकड़ के एक माल तो बरामद करवाए, माल नहीं तो ये रेनवाल प्रशासन जो अभी अस्त व्यस्त हो रखा है वो कम से कम व्यवस्था तो सुधरे ना। और ये लगातार दिन प्रतिदिन वारदातें होती जा रही है, इस पर कोई रुकावट नहीं है सर। हम ये चाहते हैं कि जो प्रशासन है वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे।